मोड़ों पे अचानक से ही गाड़ियां आ रही हैं। ओहो, यहाँ पर देखो भाई, एक बाइक गिरी हुई है, पुर्जे पुर्जे दिखने लग गए हैं। अब ये बाइक है मिस्त्री भाई के हवाले। इस वाली जगह पे बहुत सारे गरुड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के गाँव की एक चीज है, सारे घर एक ही जगह पे है। सुबह सुबह यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा है। बाकी यहाँ पर देखो भाई, हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। और यहाँ से बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, ये पूरे नीचे धान के खेत दिखाई दे रहे हैं और ऊपर ऊपर पहाड़ों पे पूरे एकदम घने से बादल हैं। एडिटिंग अभी हमारी यहाँ पे चली रही है। बाकी यहाँ पर अभी हमारे दो छोटे भाई आए हैं स्कूल से, बबिंदर और अखिल। ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल की इस खूबसूरत सी जगह चम्याला मार्केट से। बाकी कल रात को रुके हुए थे हम इस वाले रूम में, पांच लोगों के लिए ये रूम एकदम परफेक्ट रहा। एक डबल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड और एक गद्दा हमने एक्स्ट्रा मांगा था। वैसे तो कल हमें उत्तरकाशी तक निकलना था, लेकिन सुजान भाई की बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से हमें यहाँ चम्याला मार्केट में रुकना पड़ा। क्या है बाइक की अपडेट? बाइक की अपडेट ये है कि हमने चाबी तो दे दी है मैकेनिक को, अब वो खोलेगा देखेगा। हमने बोला कि जो भी पार्ट्स लगना है बता दो। अब यहाँ चम्याला मार्केट में भी रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। हम लोग कल रुके थे होटल दगड़िया में। दिन के अभी 12 बजने वाले हैं, अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, तो चलो भाई एक बार नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में देखो भाई, हरी सब्जी बनी हुई है और साथ में रोटी। दिन के अभी ठीक 1 बज गए हैं, अब जाकर हमारा चेकआउट हो रहा है। अब कभी भी अगर घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसी छोटी मोटी समस्या तो आती है, तो चलो भाई आज के दिन का सफर भी यहां से शुरू करते हैं। तो चलो जी, ठीक 1:06 पे चम्याला से हमारा आगे का सफर शुरू हो गया है। एक बाइक में जा रहे हैं आलोक और कैलाश, और एक बाइक में हम जुगाड़ से कुछ आगे तक मैं, सुजान भैया और ऋतिक जा रहे हैं। बाकी कल इस वाली जगह पे हमने मैकेनिक के पास सुजान भाई की बाइक दी थी, जो कि यहीं पे खड़ी है। तो ये है जी यहाँ पे सुजान भाई की बाइक, पूरी अभी खोल रखी है। भैया कोई और नहीं है, जिसका सामान आ रहा है उससे मंगा दो, नहीं तो आप उन्हें भी 2 दिन का टाइम चाहिए होता है, फिर इसलिए मेरे से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो बाइक के देखो भाई, पुर्जे पुर्जे दिखने लग गए हैं। अब ये बाइक है मिस्त्री भाई के हवाले। भाई जी देख लेना यार, आपके हवाले छोड़ रहे हैं अब। सुजान भाई की बाइक यहीं पे छोड़नी पड़ रही है। एक्चुअली क्या हो गया कि इसके पूरे पार्ट्स उत्तरकाशी में भी नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ से उत्तरकाशी है 87 किलोमीटर के आसपास। अब यहाँ की रोड अच्छी तो है, लेकिन एकदम संकरी सी है और किसी किसी टाइम तो इतने तीव्र मोड़ हैं पता ही नहीं लग रहा है भाई, तो ऐसे में संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है। मोड़ों पे अचानक से ही गाड़ियाँ आ रही हैं। और यहाँ पर देखो भाई, स्कूली बच्चे भी आ गए हैं घर, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सभी देशवासियों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से आगे एक जगह पड़ती है धोत्री, तो वहाँ से अभी पहाड़ी भाई रविंदर बोगना जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से वो इधर आ रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ी भाई मिलेगा वहाँ से फिर सही हो जाएगा। सुजान भाई या ऋतिक कोई उनके साथ चले जाएगा। अब जिंदगी में सुख दुख तो आता रहता है, कभी कभी ग्रह की दशा ठीक नहीं चलती है। अब देखो भाई, आजकल सुजान भाई के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मंदानी ट्रैक पे गए, वहाँ पे पैर लग गया, इस वाले ट्रिप पे आए, यहाँ पर बाइक खराब हो गई। अब कुछ दिन पहले ही की बात, देखो मेरे पाँव पे प्लास्टर हुआ था, और जिस दिन प्लास्टर निकला उसके अगले दिन फिर से हाथ पे प्लास्टर लग गया। तो ये अच्छे बुरे दिनों का चक्र जीवन में तो चलता रहता है भाई। इस पूरी रोड ट्रिप पे हम लोग बहुत सारे गांव से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी भी गांव को अच्छे ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। बस एक होड़ सी लगी हुई है आगे बढ़ने की। बाकी कभी ऐसी जगह आना होगा फिर से, तो एकदम तसल्ली से आएंगे। बाकी ये देखो भाई, सामने इस वाले पहाड़ पे भी बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी, अब यहाँ से उत्तरकाशी 72 किलोमीटर के आसपास है। ये जगह है जी दल्ला, और इसके नीचे एक बड़ा प्यारा गाँव है जिसके एकदम टॉप में मंदिर है। तो ये एक सेल्फी स्टिक है जो कि मेरे गोप्रो की है, फट से मैंने पहचान ली, तो ये मैंने कैलाश के पास दे रखी थी, कैलाश ने छोड़ दी।
चलिए जी, हमारे रविंदर भाई भी अभी यहाँ पर आ गए हैं और पहाड़ी भाई के आने से ना हमारी आधी मुसीबत जो है वो समाप्त हो गई समझो, यहाँ से सबके लिए सही हो जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुक्रिया, आजाद हो गए। अब यहाँ पर दो भाई और भी मिले हैं जो कि हैं घनसाली से, ये भी वहीं जा रहे हैं जहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। तो चलिए जी, रविंदर भाई के आने से अब रविंदर भाई और सुजान भाई जा रहे हैं उनकी बाइक में चमियाला के थोड़ा आगे से। हम लगातार पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं और इतनी खतरनाक चढ़ाई है पूछो ही मत, एकदम खड़ी चढ़ाई है। फर्स्ट सेकंड गियर में ही यहाँ पे गाड़ी चढ़ रही है, बाप रे बाप। एक तरफ एकदम चट्टान सी है और दूसरी तरफ गहरी खाई और ऊपर से रोड एकदम संकरी सी, वो भी चढ़ाई वाली। तो ऐसे में आराम आराम से ही चलना ठीक रहेगा। ये जगह है केमुंडा खाल और अब यहाँ से हमें लगातार इस पहाड़ पे नीचे उतरना है और यहाँ से उत्तरकाशी है अब 63 किलोमीटर के आसपास। छोटे छोटे बच्चे देखो भाई, अभी स्कूल से आ रहे हैं, आज 15 अगस्त है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहे होंगे स्कूल में। अब ये ठीक सामने भी देखो भाई, बड़ा प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा है और एक चीज़ है, हर गांव में एक प्यारा सा मंदिर तो बना ही है। ओहो, यहाँ पर देखो भाई एक बाइक गिरी हुई है, ओह पुरानी है शायद। अब यहाँ के खेतों को देखकर मुझे अपने घर की याद आ गई, यहाँ एकदम बढ़िया खेत हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि इन खेतों में कभी जंगली जानवर आते होंगे और हमारे घर की तरफ बिल्कुल जंगली जानवरों का आतंक है पूरे इन खेतों में। यहाँ पर धान बो रखा है, पास में एक गधेरा है और आसपास बहुत प्यारे गाँव दिखाई दे रहे हैं और ठीक इस वाले टॉप में है एक प्यारा सा मंदिर। जब पहाड़ के एकदम हम टॉप पे थे तो वहाँ पर चारों तरफ बांज बुरांस के पेड़ थे और जैसे ही वहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं अभी तो यहाँ चारों तरफ फिर से चीड़ का जंगल शुरू हो गया है और हमारे ठीक आगे से देखो भाई पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी जा रही है और पीछे पीछे 5 बाइक वाले। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग धोतरी गांव में पहुंच गए हैं और यही गांव पहाड़ी भाई पीलो चाय का गांव है। ये देखो भाई धोतरी गांव बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे बसा हुआ है, आसपास खूब सारे हरे भरे खेत हैं और नीचे से एक प्यारी सी नदी भी है और नीचे खेत दिखाई दे रहे हैं ना, रुपाई भी कर रखी मैंने पिछले साल, आलोक ने यहाँ रुपाई की थी। अब अभी तो हमें यहाँ से आगे निकलना है, रविंदर भाई के यहाँ जाएंगे जब वापस आएंगे वहाँ से। जुमान का वैल्यू है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये है जी धोतरी मार्केट, अब यहाँ से उत्तरकाशी है 39 किलोमीटर। सच में इस वाली राइड पे बहुत मजा आ रहा है, कभी कभी जब सब कुछ सही चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना आसान है और अगले ही पल जब कुछ प्रॉब्लम आ रही ना तो सबके चेहरे पे एक अलग सी मायूसी छा रही है। इसी वाले रूट पे आगे गंगोत्री धाम है 135 किलोमीटर दूर और उत्तरकाशी 35 किलोमीटर। अब धोतरी गांव से फिर से हमें इस वाले पहाड़ पे लगातार ऊपर चढ़ते जाना है। बीच बीच में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रखा है और मानसून में तो पहाड़ों में ये आम बात है। एकदम घने से जंगल के बीच से होकर अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ जंगल के बीच आते ही मौसम एकदम ठंडा सा हो गया है। घर से अभी हम लोग इस वाली ट्रिप पे लगभग 206 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। शाम के अभी 5 बज रहे हैं, अभी हम लोग हैं चौरंगी खान में और यहाँ से अभी उत्तरकाशी है 27 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर एक बार कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ चौरंगी खाल में चौरंगी नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन भी कर दिए हैं और उनको यहाँ पर सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। चलिए जी, खाना भी आ गया है, खाने में गर्मा गर्म पराठे छोले और साथ में दही। शाम के 5:51 हो रहे हैं, चौरंगी खाल से भी अभी हम लोग निकल गए हैं। इस वाली जगह पे बहुत सारे गरुड़ दिखाई दे रहे हैं, शायद आसपास कोई जानवर मरा होगा। सच में इस वाली ट्रिप में बहुत मजा आ रहा है। ये जगह है साड़ा और यहाँ से अभी उत्तरकाशी है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। सामने देखो भाई एक बहुत प्यारा गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव की एक चीज है सारे घर एक ही जगह पे हैं।
और देखो भाई उत्तरकाशी शहर बड़ा सुंदर लग रहा है, बीचों बीच भागीरथी नदी बह रही है। यहाँ से रैथल है 20 किलोमीटर और सामने देखो भाई डैम का पानी इस वाली जगह पे छोड़ा गया है, एक मस्त सा झरना जैसा बन रहा है। 8:20 हो गए हैं, हम लोग भी अभी रैथल गांव की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो चलिए जी, आज के रहने की व्यवस्था भी हो गई है, ये कुछ हमारा रूम है। रात के अभी 8:45 हो रहे हैं, घर से लगभग 2 दिनों का सफर तय करके लगभग 276 किलोमीटर तय करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं रैथल गांव में। कल यहां से सुबह सुबह हमें एक ट्रैक करना है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय जय उत्तराखंड, बाय।